चेहरे पर नकाब बांधे कुछ बदमाश बीच सड़क पर एक शख्स को बुरी तरह लाठियों से पीट रहे हैं। वो शख्स मदद के लिए चिल्ला रहा है। इस दौरान आसपास से कई गाड़ियां गुजरती हुई भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आता। ये वीडियो राजस्थान के धौलपुर जिले का है और जिस शख्स पर यह हमला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी हैं। बताया जा रहा है कि मुश्ताक कुरैशी अपने घर के नजदीक एक ढाबे पर खाना खाने गए थे। इसी दौरान बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों के हमले में कुरैशी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। उन्हें गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया है। मुश्ताक मुसलमान के साथ करीब 7-8 लोगों द्वारा मारपीट की घटना हुई है। इस संबंध में मुश्ताक मुसलमान के पक्ष बयान पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। श्रीमान एसपी साहब ने टीम गठित कर तलाश जारी। बीजेपी नेता पर हुए इस जानलेवा हमले को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज राजौरिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुरंत प्रशासन को सख्त निर्देश दें कि उन अपराधियों को गिरफ्तार करें और न्याय की व्यवस्था करें। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को मजबूरन सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा। इस राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को राउंड अप कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। पुलिस ने जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है।